नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें। लोकल खबरें में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से कमलेश कुमार की खास खबर पर आइए एक नजर डालते हैं। दबंगों ने बाप बेटे को गोली मारकर की हत्या। जहां एक तरफ कोरोना वायरस के चलते पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है और देश में भी लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में भी आपराधिक प्रवृत्ति के लोग अपनी आपराधिक गतिविधियों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला लखीमपुर खीरी के थाना फरधान के बरखेरवा गांव का है, जहां कोटे की दुकान पर मृतक पिता पुत्र राशन लेने पहुंचे थे। कोटे पर ही आधा दर्जन दबंगों ने अवैध हथियारों से पिता पुत्र पर जानलेवा हमला करते हुए गोली मार दी, जिससे मौके पर ही पुत्र हरगोविंद की मौत हो गई और घायल अवस्था में पिता रमेश चंद्र को जिला चिकित्सालय ले जाते समय मौत हो गई। वहीं इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है। सूचना मिलते ही थाना फरधान और कई थानों की फोर्स मौके पर पहुंची, साथ ही एडिशनल एसपी और एसपी पूनम ने भी मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और आरोपियों की जल्द ही गिरफ्तारी की बात कही। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा पूनम एसपी खीरी ने। 2009 में एक मर्डर हुआ था अवधेश, उसमें जो एक नामजद अभियुक्त था रमेश, जो कि फिर बाद में कोर्ट से बरी हो गया था, वो और उसका लड़का हरगोविंद, ये आए हुए थे यहाँ कोटेदार के यहाँ राशन लेने के लिए। और यहीं जहाँ कोटेदार का ये है घर है, इसके पास में ही उस समय जो अवधेश जिसका मर्डर हुआ था उसका पास में मकान है, उसके परिवार वालों ने 6 लोगों ने आकर इन पर हमला किया और जो पिता पुत्र हैं रमेश और उसका बेटा है हरगोविंद, उन पे दोनों पे हमला तमंचे से और तलवार से हमला किया, बाके से हमला किया है, जिसमें रमेश की यहीं मौके पर डेथ हो गई। हरगोविंद घायल था, उसको अस्पताल भिजवाया गया, तो रास्ते में उसकी भी डेथ हो गई है। मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है।